नमस्कार, मैं प्रिया। धाराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,317 नए केस सामने आए हैं। कल के मुताबिक यह संख्या 18.6% ज्यादा है। बता दें कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 138.96 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस वर्तमान में 78,190 है। भारत में रिकवरी रेट वर्तमान में 98.40% है। पिछले 24 घंटे में 6,906 लोग ठीक हुए हैं। अब तक ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 3,42,01,966 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 318 लोगों की जान गई है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने कोरोना की नई लहर के पैदा होने का खतरा बढ़ा दिया है। इसी बीच ब्रिटेन ने जानकारी दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित 129 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। अब तक 14 लोगों की इससे जान भी जा चुकी है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य राज्य मंत्री गिलियान कीगन ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि डेटा बढ़ता रहा तो फिर सरकार कोरोना के सख्त प्रतिबंध लगाने के पीछे नहीं हटेगी। सीईसी सुशील चंद्रा ने चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर बताया है कि सभी मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में सब कुछ पता होना अनिवार्य है। राजनीतिक पार्टियों को अखबारों, टेलीविजन और वेबसाइट के जरिए मतदाताओं तक उम्मीदवारों की जानकारी पहुंचानी होगी। बता दें कि अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में स्कूल एक बार फिर से बंद हो सकते हैं, ये संकेत दिए हैं महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित रहा राज्य महाराष्ट्र एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चपेट में है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के स्कूल एक बार फिर से बंद किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने एक बेहद अत्याधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत को रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी मजबूती दी है। DRDO ने बुधवार को ओडिशा तट के पास कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का नाम है प्रलय। DRDO ने जारी एक बयान में बताया है कि भारत ने ओडिशा तट के पास कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने में सक्षम निर्देशित बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। कई ओमिक्रॉन भारत में कोविड की तीसरी लहर ना ले आए, इन चिंताओं के बावजूद अधिकतर राज्यों में कम जांच की जा रही है। ऐसे में अगर तीसरी लहर आ भी जाती है तो हालत का सही अंदाजा नहीं लग पाएगा। ओमिक्रॉन को लेकर देश में स्थिति अब इतनी चिंताजनक हो गई है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को कमर कस लेने की हिदायत दी है। राज्यों को भेजे ताजा पत्र में केंद्र ने कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है और इसके प्रसार को रोकने के लिए अब वॉर रूम की स्थापना की जरूरत है। केंद्र ने कहा है कि सभी राज्यों को रोकथाम के सभी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है और जरूरत पड़े तो राज्य सरकार कर्फ्यू भी लगा सकती है। कांग्रेस सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं। बीते कुछ वर्षों में कोरोना के मुद्दे पर अक्सर उन्हें केंद्र को कटघरे में खड़ा करते हुए देखा गया है। राहुल ने अब कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि देश की बड़ी आबादी का अब तक टीकाकरण नहीं हुआ है और सरकार को बताना चाहिए कि लोगों को बूस्टर खुराक यानी कि टीके की तीसरी खुराक देना कब शुरू किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक पीटी थॉमस का बुधवार को तमिलनाडु के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो 71 वर्ष के थे। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि थॉमस ने दुनिया को अलविदा सुबह वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में कहा है और उनका अग्न्याशय संबंधी बीमारी का इलाज चल रहा था। थॉमस के गुजर जाने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को कहा है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर की स्थिति कम हो गई है। गुरुवार तक उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी इसके कम होने की संभावना है। IMD ने अपने इस सुबह के बुलेटिन में कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। उसके बाद कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। संसद का शीतकालीन सत्र अपने निर्धारित समयावधि से 1 दिन पहले यानी बुधवार को ही खत्म हो गया। दोनों सदनों में बुधवार सुबह की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मौजूदा शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ था और इसे 23 दिसंबर तक चलाना था। राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अखबार की खबर का हवाला देकर अयोध्या से संबंधित एक मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन नायडू ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी।
भारत ने बुधवार को सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। इस बात की जानकारी डीआरडीओ के अधिकारियों ने दी है। ये परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित ठोस ईंधन वाली बैटलफील्ड मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पर आधारित है। 200 करोड़ की रंगदारी वाले केस में जैकलिन फर्नांडिस की मुसीबत बढ़ती जा रही है। एक्ट्रेस अभी भी ईडी के सवालों के घेरे में है। ईडी के सोर्स के मुताबिक जैकलिन की भूमिका की अभी जांच की जा रही है। ईडी दूसरी अभियोजन शिकायत दर्ज करेगा। पहली चार्जशीट दाखिल करने के बाद ईडी ने जैकलिन से दो बार पूछताछ की थी। नोरा फतेही के लिए अभी राहत है क्योंकि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं किया गया है। ईडी के चार्जशीट में नोरा को बतौर प्रोसिक्यूशन 45 के रूप में देखा गया है। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने आईपीओ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सेबी चेयरमैन ने कहा है कि आईपीओ की रकम की निगरानी का मौजूदा सिस्टम कमजोर है, जिसे मजबूत बनाने की जरूरत है। चेयरमैन ने भरोसा दिलाया है कि निगरानी सिस्टम को मजबूत करने के उपाय किए जा रहे हैं। सेबी चेयरमैन ने यह भी कहा है कि शुरुआती निवेशकों के लिए वेब जैसे रास्तों को अपनाना बेहतर होगा क्योंकि इससे धीरे धीरे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जोधपुर मंडल पर मिड़ता रोड डेगाना रेलखंड के मध्य दोहरीकरण कार्य के कारण चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द, आंशिक रद्द और रूट में बदलाव किया है, लेकिन अब इन ट्रेनों को फिर से बहाल किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सोनपुर मंडल पर कुर्सेला स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। देश भर में मौजूदा चीनी मोबाइल कंपनियों के दफ्तरों में बुधवार सुबह से छापेमारी चल रही है। सुबह 9 बजे से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर सहित कई शहरों में तलाशी हो रही है। इससे पहले मंगलवार को खबर आई थी कि नेपाल ने भी कई चीन की कंपनियों को बैलिस्टिक कर दिया है। मोबाइल कंपनी ओप्पो ग्रुप और शाओमी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। दुनिया में कोविड 19 महामारी और नए संक्रमण वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के बीच इजराइल सरकार अपने नागरिकों को तत्काल प्रभाव से कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज देने जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्सपर्ट से राय लेने के बाद कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज लगाने का ऐलान किया है। ये चौथी डोज पहले सीनियर सिटीजन यानी 60 साल के ऊपर के लोगों को और मेडिकल कर्मचारी और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को दी जाएगी। जिस राफेल डील को लेकर देश में सियासी तूफान मचा है, अब उसी के एक नाटकीय पेच उसमें आ गया है। मोदी सरकार ने फ्रांस के साथ राफेल सौदे में ऑफसेट पॉलिसी के वादे पूरे नहीं करने पर कंपनी पर भारी जुर्माना लगा दिया है। गौरतलब है कि भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया था। इस सौदे के तहत ऑफसेट पॉलिसी भी एक बड़ा क्लॉज था। इसके बाद फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट एविएशन और MBDA को भारतीय रक्षा क्षेत्र में अनुबंध राशि का 30% निवेश करने का पेच भी था। देश में CPO, पामोलिन और सोयाबीन के आयात शुल्क में कमी किए जाने के बाद ज्यादातर खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट आई है। वहीं बाजार पहले से काफी टूटा होने और सरसों और सोयाबीन के प्लांट डिलीवरी भाव को बढ़ाए जाने से सरसों तेल तिलहन और सोयाबीन तिलहन के भाव में सुधार आया है। आयात शुल्क कम किए जाने से CPO, सोयाबीन तेल, पामोलिन और बिनोला के भाव में गिरावट रही, जबकि स्थानीय मांग होने से मूंगफली तेल तिलहन के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने दुनिया भर के देशों में हलचल मचा दी है। सभी देश वेरिएंट से बचने के लिए एहतियाती कदम उठा रहे हैं। इसी बीच सिंगापुर ने क्वारंटीन फ्री ट्रैवल के एक कार्यक्रम के तहत 23 दिसंबर से अगले साल 20 जनवरी तक नई टिकट पर रोक लगाने का ऐलान किया है। सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन कार्यक्रम के तहत सिंगापुर ने कुछ देशों के यात्रियों के लिए क्वारंटीन पर पूरी तरह से छूट दी है जिन्होंने पूर्ण टीकाकरण करवा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में संस्थान के कानपुर परिसर के दौरे से पहले बुधवार को IIT भारत प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों और पूर्व छात्रों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। पीएम मोदी वहां भाषण देंगे जिसके लिए उन्होंने सुझाव मांगे हैं। ऐसे में आमजन भी उनके भाषण में खुद की बात को शामिल कर सकते हैं। कवि कुमार विश्वास का भी यूट्यूब चैनल साइबर क्राइम का शिकार हो गया है। उनके यूट्यूब चैनल को किसी हैकर ने हैक कर लिया है। कुमार विश्वास ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट से इसकी सूचना अपने अकाउंट पर खुद दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि किसी कन्नाडाई हैकर ने मेरा निजी चैनल हैक कर लिया है, कृपया इसे यथावत करें। इस संबंध में आपके कार्यालय को वांछित निवेदन मेल कर दिया गया है, लिंक नीचे है। साल 2012 में रिलीज हुई बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौर की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब फिल्म के सीक्वल पर काम किया जा रहा है। वहीं फिल्म की सह निर्माता शबीना खान ने साल 2019 में राउडी राठौर 2 का ऐलान किया था। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने लेखक KV विजेंद्र प्रसाद फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली के कहने पर राउडी राठौर के सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं।
सीएम नीतीश कुमार अपने समाज सुधार यात्रा पर आज यानी बुधवार से निकल गए हैं। सीएम ने अपनी यात्रा तय कार्यक्रम के तहत चंपारण से शुरू की है। मुख्यमंत्री आज सुबह मोतिहारी पहुंचे, जहां से वो जनसभा को संबोधित करते देखे गए और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिला से जुड़े। वहीं सीएम नीतीश कुमार अपने समाज सुधार यात्रा पर आज यानी बुधवार से निकल गए हैं। यह यात्रा आपको बता दें कि अगले महीने तक जारी रहेगी। 27 साल कांग्रेस, 15 साल भाजपा और 15 साल एमजीपी ने गोवा को लूटा है, एक बार हमें मौका दे, ये बात आपकी तरफ से कही गई है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको ईमानदार सरकार देंगे। ये बात गोवा में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कही। गोवा के पणजी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की यह बातें चुनाव में एक अलग हुंकार फूंकने की उम्मीद जताई जा रही है। अब कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब किसानों को फसलों के बीच घुसकर खाद और दवाई का छिड़काव करने से मुक्ति मिलेगी। इससे किसानों की किसानी भी सुधरेगी, साथ ही उनके जीवन में भी बदलाव आएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने ड्रोन नियम 2021 में बदलाव कर इसे स्वामित्व और संचालन के लिए काफी आसान बना दिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिन यानी मंगलवार को कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर SOP जारी कर दिया है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच सभी देश यही जानना चाह रहे हैं कि कोविड वैक्सीन कितने कारगर है और क्या वैक्सीन की 2 डोज के बाद तीसरे बूस्टर डोज की जरूरत है। इस खबरों के बीच लॉसेंट जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित हुई है, जिसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के COVID-19 टीके की 2 खुराक लगने के 3 महीने बाद इससे मिलने वाली सुरक्षा घट जाती है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 को लोकसभा में पेश किया। इस बिल के जरिए सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने का प्रस्ताव लेकर आई है। इस बिल का विपक्ष ने भारी विरोध किया और इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग की थी, जिसे सरकार ने मान ली है। देश में बढ़ती ओमिक्रॉन की रफ्तार ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच समाचार एजेंसी ANI ने भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को कोरोना की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। सरकार ने घोषणा की है कि जर्मनी का परमाणु चरण आउट वर्ष के अंत तक देश के अंतिम 3 परमाणु रिएक्टरों को स्थायी रूप से बंद करने के साथ साथ आगे बढ़ेगा। 3 परमाणु ऊर्जा सुविधाओं के संचालन लाइसेंस को 2021 के अंत में समाप्त होने पर विस्तारित नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अंत तक संयंत्र ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों पर दिए गए विवादित बयान के बाद लोग काफी आक्रोशित है, जो उसके बाद जीतन राम मांझी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुन्नू कुमार, सनी कुमार, मुन्ना यादव, अर्जुन कुमार यादव, सचिन कुमार, गयल बॉयज, अजय कुमार झा, राजीव कुमार, रोशन कुमार, सरोज कुमार, विनय कुमार, सुमित शर्मा, मुन्ना यादव, राधा रानी, रिद्धि सिद्धि। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए क्या नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध को लगा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।